इतनी बात तो हमारे ध्यान में आई थी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी, ये तीनों की जरूरत है। आइदर और की बात नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी जरूरत भी है, समझ के साथ संबंध और समझ और संबंध के साथ सुविधा। राइट अंडरस्टैंडिंग को जब समझने का हमने एफर्ट किया तो ये बात ध्यान में आई कि राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब इतना ही है कि जितना भी किसी एक ह्यूमन बींग के जीने का एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस के हर लेवल पे हारमोनी को समझ पाना और हारमोनी में जी पाना, ये राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है। जब हारमोनी को जीने के एक्सपेंस को देखने गए तो ये बात ध्यान में आई कि हर एक ह्यूमन बींग के जो जीने का एक्सपेंस है वो अपने से शुरू होता है, परिवार समाज नेचर से लेके वो एग्जिस्टेंस तक जाता है। परिवार में भी जीना होता है, समाज में भी जीना होता है, नेचर एग्जिस्टेंस में भी जीना होता है, और उसके साथ साथ अपने में तो मेजर जीना हो ही रहा है। तो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना है तो हर लेवल की हारमोनी को समझना जरूरी है और हर लेवल की हारमोनी में जीना जरूरी है। फिर हारमोनी इन ह्यूमन बींग के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो ह्यूमन बींग की बनावट, ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज और ह्यूमन बींग की बेसिक एस्पिरेशंस के बारे में भी बात की थी। तो बेसिक एस्पिरेशंस ध्यान में आई थी कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी फंडामेंटल एस्पिरेशन है, और बनावट को देखने जाएं तो सेल्फ और बॉडी इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस है। बॉडी की नीड टेम्पररी है, फिजियोकेमिकल चीजों से पूरी होती हैं, सेल्फ की नीड कंटिन्यूस है, राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग से पूरी होती है। सेल्फ के बेसिस में जो पहचानना निर्वाह करना है उस वो या तो एजम्पशन के बेसिस पे होता है या राइट अंडरस्टैंडिंग के नॉलेज के बेसिस पे होता है। इतनी बात ध्यान में, तो नोइंग का काम हो जाए इसके लिए काम करना है। फिर सेल्फ की एक्टिविटीज को समझने का काम क्या था, तो इमेजिनेशन के बारे में बात की थी। ये बात ध्यान में आई थी कि जो बिहेवियर और वर्क है उसका जो बेस है वो तो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन अगर हारमोनियस और स्टेबल होता है तो हमारा बिहेवियर वर्क हारमोनियस और स्टेबल होता है। इमेजिनेशन अगर डिसहारमोनियस और अनस्टेबल होता है तो बिहेवियर और वर्क भी डिसहारमोनियस और अनस्टेबल होता है। इमेजिनेशन के सोर्सेस को देखने जाएं, इमेजिनेशन की मोटिवेशन को देखने जाएं तो नेचुरल एक्सेप्टेंस एक मोटिवेशन है, प्री कंडीशनिंग एक दूसरा मोटिवेशन है, सेंसेशन एक तीसरा मोटिवेशन है। सेंसेशन के साथ इशू एक ये बात ध्यान में आती है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, वही चीज़ जो हमको बहुत अच्छी लगती है थोड़े समय के बाद वो अच्छा लगना बंद हो जाता है। प्री कंडीशनिंग को भी देखें, प्री कंडीशनिंग भी बदलती रहती है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, है ना। ये सब नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में एक्सप्लोरेशन जब करने जाते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस हम सबकी प्योर है, हमारी आयु से इसका लेना देना नहीं है, हम किस स्थान पे रहते हैं उससे लेना देना नहीं है, हम किस टाइम में बात कर रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। हर ह्यूमन बींग की जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो प्योर भी है, वो इनवेरियंट है, वो अनचेंजिंग है। तो अगर हमारी इमेजिनेशन का सोर्स हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस हो जाए तो हमारी इमेजिनेशन भी स्टेबल हो जाती है, और हमारी इमेजिनेशन स्टेबल हो जाए तो हमारा बिहेवियर और वर्क ये दोनों स्टेबल हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस तक लेकर जा सकते हैं, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी तक लेकर जा सकते हैं। इतना अगर काम हो जाए तब जब हम रिलेशनशिप में जीने जाते हैं तो रिलेशनशिप में हम अपनी तरफ से तो डेफिनेट कंडक्ट के साथ जी पाते हैं। अगर हमारा कंडक्ट ही इनडेफिनेट है तो जब परिवार में भी जीने जाएंगे तो उस इनडेफिनेट कंडक्ट के साथ जब हम जीते हैं तो हम खुद दुखी होते हैं, हम दूसरों को दुखी करते हैं। अब परिवार में अगर जीने की बात को देखें तो परिवार के बारे में ये बात की थी। जितेंद्र भैया थोड़ी आवाज बढ़ानी होगी भैया, आपको लाउड कर लीजिए थोड़ी आवाज। जी एक मिनट। हेलो। हाँ जी भैया। भैया आ रही है आवाज? ठीक है, अब ठीक है। जी जी। तो अगर एक बार हारमोनी इन दी सेल्फ ये काम इंश्योर हो जाए। भैया सांस की आवाज तो नहीं आ रही, थोड़ा मैंने ज्यादा क्लोज कर रखा है। हेलो। जी जी। तो जब परिवार में जीने की बात को करने जाते हैं तो परिवार को समझने जाते हैं तो परिवार के बारे में पहली बात तो ये कही गई कि परिवार में हमारा जीना हो ही रहा है। परिवार को देखने जाए तो परिवार जो है वो हमारा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, ताकि हम सही समझ के साथ भर जाएं, हम रिलेशनशिप को समझ सकें, और फाइनली जब बड़े हों तो एक बड़े परिवार में, समाज में भी हम जी सकें। तो परिवार को देखने जाएं तो परिवार एक हमारी इमीडिएट सोसाइटी है, क्योंकि जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं, जिनके साथ हमारा जीना हो रहा है, वो हमारी इमीडिएट सोसाइटी है। और अगर समाज को देखने जाएं तो समाज हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। ये दोनों जुड़े ही हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन अभी क्या कंडीशनिंग हो गई, अभी ये माना जाता है कि तुम अपने परिवार से ही मतलब रखो, समाज में क्या हो रहा है तुम्हारा कोई बहुत लेना देना नहीं है,
वो तो सरकारों का काम है, वो तो एनजीओ का काम है, वो तो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो ये परिवार के साथ साथ समाज में जीना ये कोई हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारे लिए एक नेसेसिटी है ना। तो बड़े परिवार में जीने के लिए ये बात जरूरी है कि हम छोटे परिवार में ठीक ठीक जी पाए, जिससे कि बड़े परिवार में जीने की तैयारी हो जाए। तो अगर बड़े परिवार में जीना है तो उसके लिए पहले छोटे परिवार में हारमनी को समझ के, हारमनी को इंश्योर कर सके, ताकि बड़े परिवार में जीने की तैयारी हो जाए। तो स्कूल परिवार से बड़ा परिवार क्या है? कॉलेज, कॉलेज से बड़ा परिवार क्या है? पूरा समाज। फिर जब परिवार को समझने गए तो ये बात ध्यान में आई कि जो रिलेशनशिप है वो पहले से ही है, एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के साथ रिलेशनशिप है ही। बॉडी से बॉडी का रिश्ता होता है या सेल्फ से सेल्फ का? तो सेल्फ से सेल्फ का रिश्ता होता है, और इन सेल्फ में फीलिंग्स होती हैं, और वो फीलिंग्स भी एक सेल्फ में होती हैं दूसरे सेल्फ के लिए। इन फीलिंग्स को पहचाना भी जा सकता है, ये डेफिनेट है, ये 9 है नंबर में। और जब हम इन फीलिंग्स को समझते हैं और हम अपने जीने में इंश्योर करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं, तो उससे हम सुखी होते हैं। जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और दूसरा भी अगर इसको पहचान पाता है तो वो दूसरा भी सुखी होता है, तो दोनों का सुख होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है। फीलिंग्स को समझने जाए तो विश्वास से लेके लव तक की बात की थी। विश्वास एक फाउंडेशन है, ये एक नींव है किसी भी बिल्डिंग के बनने की। तो बिल्डिंग की मजबूती इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। अगर बिल्डिंग की नींव ही कमजोर है, वो बिल्डिंग बहुत लंबा समय तक नहीं खड़ी रह सकती। तो विश्वास को समझने का काम हमने कल किया था, उसके बाद हमने रिस्पेक्ट की बात की थी। विश्वास को जब समझने गए तो ये बात ध्यान में आई, विश्वास ये भरोसा है, ये एहसास है, ये क्लैरिटी है कि दूसरा मेरा सुख चाहता है, दूसरा मेरी प्रोस्पेरिटी चाहता है, दूसरा मेरे सुख और मेरी प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी चाहता है। इसी बात को समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और हमने हमको दूसरे के साथ विश्वास है या नहीं है इसको समझने का काम किया। तो दो एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की, एक इंटेंशन के बारे में यानी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में, और दूसरी कॉम्पिटेंस के बारे में यानी कि एबिलिटी के बारे में। तो चार क्वेश्चन इंटेंशन के बारे में पूछे, चार क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंस के बारे में पूछे। इंटेंशन के बारे में जब पूछने गए तो ये बात ध्यान में आई कि इंटेंशन मेरी भी ठीक है, इंटेंशन दूसरे की भी ठीक है। मैं सुखी भी होना चाहता हूँ, मैं सुखी भी करना चाहता हूँ, दूसरा भी सुखी होना चाहता है, दूसरा सुखी भी करना चाहता है। लेकिन 4A में हमको शुरू में यहाँ पे डाउट हुआ, फिर हमने एबिलिटी को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो चार क्वेश्चन और पूछे, और ये बात ध्यान में आई कि जिस तरह मैं अपने को हमेशा सुखी नहीं कर पाता, उस तरह मैं दूसरे को हमेशा सुखी नहीं कर पाता, उसी तरह दूसरा भी हमेशा अपने आप को सुखी नहीं कर पाता, और यही कारण है कि वो मुझे हमेशा सुखी नहीं कर पाता। लेकिन ये सुखी नहीं कर पाना या सुखी नहीं होना एबिलिटी का मुद्दा है या इंटेंशन का मुद्दा है? तो ये बात ध्यान में आई थी कि ये तो एबिलिटी का मुद्दा है, एबिलिटी हमारी कम होती है तो हम सुखी नहीं कर पाते, एबिलिटी हमारी कम होती है तो हम सुखी नहीं हो पाते, लेकिन हम चाहते नहीं है सुखी करना, ऐसा नहीं है। ये बात पे काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी, और ये बात ध्यान में आई थी कि जिसके भी साथ आप इस ट्रस्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके भी बारे में अगर आप ध्यान दें तो ये समझ में आएगा कि पहले 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं और बाकी के 2 क्वेश्चन दूसरे के लिए हैं। लेकिन अगर दूसरे के साथ आपका रिप्लेसमेंट कर दें, अगर वो दूसरा आपकी जगह बैठ जाए और आप उसकी जगह चले जाएं, तो जो 3 और 4A जो दूसरे के लिए है, अब 3A और 4A आपके लिए हो जाएगा, और उसके लिए जो है वो 1A और 2A हो जाएगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा सुखी होना चाहता है, वो सुखी करना भी चाहता है, कर नहीं पा रहे। जो कर नहीं पा रहे ये इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एबिलिटी की प्रॉब्लम है। और एबिलिटी का मतलब इतना ही है कि अभी हमने या दूसरे ने अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को सही सही एक्सप्लोर नहीं किया है। तो या तो हम सेंसेशन से गाइडेड होते रहते हैं या हम प्री कंडीशनिंग से गाइडेड हो रहे हैं। तो ये बात पे जो है हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की थी कि अगर हमको इंटेंशन की क्लैरिटी हो जाए, अगर हमको इंटेंशन की एक बार क्लैरिटी हो जाए और फिर अगर कॉम्पिटेंस कम है तो हम कम से कम गुस्सा नहीं होंगे, हम इरिटेट नहीं होंगे, हम एंग्री नहीं होंगे, हमको समझ में आएगा कि गलती करना नहीं चाहते थे पर गलती हो गई। इसी बात का एक्सप्लोरेशन करना है। तो काफी आपके मन में इस बात को लेकर डाउट होंगे, तो क्योंकि लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी के साथ भी, और तो हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक्सप्लोर करते रहें। ये बहुत ईजी भी नहीं है, है ना। तो जब कभी आप 8 दिन के वर्कशॉप में आएंगे तब तक जो है और समय मिलेगा। इस पे हम 2 दिन लगाते हैं, पूरे 2 से 2.5 दिन लगाते हैं इस बात को समझने में।
बट अभी तो एक अवेयरनेस के हिसाब से बात की जा रही थी, रह रह के आपको डाउट आएगा कि देखो बॉस तंग कर रहे हैं, हमको काम दे देते हैं, हमें कमेटी में डाल देते हैं। बट ठीक है, अभी बहुत क्रिटिकल जगह पे ना देखें, अभी कम से कम परिवार में देख लें। अभी एकदम आप क्रिटिकल केस हैंडल करने जाएंगे तो समस्या आएगी, तो ये भी ना देखें कि ये वर्कशॉप जो है इससे मेरे जो कॉलेज की सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, दूसरा ठीक हो ना हो, आप आराम में आ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि दूसरे की इंटेंशन प्योर है और जो वो आपको तंग कर रहा है, जो आपको वो परेशान कर रहा है, तो वो आराम में ऐसा नहीं है, प्रेशर में तो वो भी है। और जब वो प्रेशर में है तो उसका प्रेशर जो है वो एक्सप्रेशन में आ रहा है, जिस तरह से जब आप भी प्रेशर में होते हैं तो आपका प्रेशर भी परकोलेट हो जाता है, आपका प्रेशर भी जो है वो फैल जाता है बाहर आपका, तो उसी तरह से वो भी प्रेशर में है। तो जो प्रेशर में है इतने सारे इश्यूज को, कॉलेज के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा, ये एबिलिटी का मुद्दा है, ये इंटेंशन का इशू नहीं है। इस बात को बार बार एक्सप्लोर करना है, और हम इसको अभी सुन के जो है दूसरे को बताने भी ना लग जाएं, ये भी बात एक है ना डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि क्या है, ये बात तो हमने सुन ली, कुछ शब्दों को सुन लिया, इंटेंशन है, कॉम्पिटेंस है ना, लेकिन क्या है ये इंटेंशन को देख पाना कई बार तो कई कई साल भी लग जाते हैं इसमें, ये इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हमारा एक बहुत बड़ा अभ्यास हो चुका है इतने साल की शरीर यात्रा का, कि जब भी आदमी गलती करता है तो हमारा ध्यान उसकी जो है कॉम्पिटेंस के लैक को लेके कंफ्यूजन ये होती है कि हम उसके इंटेंशन से जोड़ लेते हैं कि देखो गलती करना चाहता था इसलिए गलती कर दी। तो रह रह के आपके अंदर ये बात आएगी कि देखो जानबूझ किसने गलती की। तो देखिए क्या है, बार बार अपने ही ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने ही ऊपर लौट लौट के देखना पड़ेगा कि मेरी इंटेंशन ठीक है नहीं ठीक। अपनी इंटेंशन दिखाई देती है तो उसी के साथ साथ आपको दूसरे की भी इंटेंशन दिखाई देने लगेगी, एक लंबा काम है। तो एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, एक बार क्या हुआ, एक पंजाब में ही एक कॉलेज है, तो वहां पे एक स्टूडेंट, एक बार वर्कशॉप चल रही थी, वर्कशॉप नॉर वैसे तो टीचर्स के लिए हो रही थी बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी उसमें बैठे थे, तो कुछ स्टूडेंट बैठे थे, तो उसमें से एक स्टूडेंट बैठी थी, बीटेक थर्ड ईयर की थी, और वो वर्कशॉप अटेंड कर रही थी। इतनी देर में दो स्टूडेंट्स और आए और उसको बोला कि आप वर्कशॉप को आज का सेशन ओवर होने के बाद डायरेक्टर से मिल लेना, और डायरेक्टर से मिलने के बाद जो है आपका जो कॉम्पिटिशन में आपने हिस्सा लिया था तो उसमें आप जीत गए, तो आपका प्राइज आया है, तो डायरेक्टर से वो ट्रॉफी ले लेनी है और साथ में एक फोटो भी खानी है वो कॉलेज की मैगजीन में। तो वो लड़की बड़ी खुश हुई, और जब सेशन ओवर हुआ तो ब्रेक में जो है वो डायरेक्टर के पास गई और उसको वो ट्रॉफी भी मिली और उसने वो फोटो भी खिंचाई। और फिर जब एक हफ्ते बाद वो वर्कशॉप खत्म हुई तो छुट्टियां पड़ी कॉलेज की, तो फिर वो अपने घर गई, और जब वो अपने घर गई तो अपनी मम्मी के साथ वो किचन में शेयरिंग कर रही थी सारी बात की कि मम्मा, और वो जो ट्रॉफी थी उसने वो अपने डाइनिंग टेबल पे रख दी, और बेसिकली वो ट्रॉफी क्या थी, वो एक कॉफी का मग था जिसके ऊपर उसकी फोटो लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था चैंपियन ऑफ द कॉलेज, ऐसा कुछ लिखा था। तो जब वो अपनी मम्मी को शेयर कर रही थी कि मम्मा मम्मा मजा आ गया, इतनी बढ़िया वर्कशॉप, इतनी बढ़िया वर्कशॉप, और मेरा फर्स्ट प्राइज भी आया, मुझे ट्रॉफी मिली, और वर्कशॉप के तो क्या कहने, मजा आ गया। तो उसने सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करने शुरू किए और ट्रस्ट पे उसने बहुत फोकस किया। तो उसने कहा मम्मा देखो एक इंटेंशन होती है, एक कॉम्पिटेंस होती है, इंटेंशन सभी की ठीक होती है, कॉम्पिटेंस मेरी भी कम है, आपकी भी कम है, मेरे भाई की भी कम है, सबकी कम होती है, तो हम इंटेंशन को ऐसी, वो बातें पूरी वर्कशॉप जैसी रन कर रही थी अपनी मम्मी के लिए। तो इतनी देर में क्या हुआ, उसका भाई बाहर से आया और वो छोटा था, वो खेल के आया तो फुटबॉल लेके आया, और वो फुटबॉल को जब रख रहा था तो वो फुटबॉल जो है डाइनिंग टेबल पे चली गई और उसका वो कॉफी का मग जो था इस पे उसकी फोटो थी वो नीचे गिर गया, और जब वो गिर गया वो कप टूट गया, और जैसे ही उसने देखा कि उसका वो कप टूट गया तो वो बाहर आई और वो इतनी जोर से चिल्लाने लग गई और अपनी भाई को है ना दो लगाए कान पे और बोला मोया तूने मेरा नुकसान कर दिया और वो सब है ना। तो पीछे से उसकी मम्मी आई और वो बोली कि बेटा बेटा मैं सब समझ गई, इंटेंशन क्या होती है और कॉम्पिटेंस क्या होती है, तो मुझे सब समझ में आ गया। तो ये बात जो है मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम प्री मैच्योर भी कंक्लूड ना कर लें कि हमको समझ में आ गया, अभी हमने शब्दों को सुन लिया है बट अभी इनका जो अर्थ है वो हमारे अंदर ही अनफोल्ड होना है, इसमें समय लगेगा। बट ये बात बार बार अपने अंदर एक्सप्लोर करनी है कि मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है, मैं सुखी होना, सुखी करना चाहता हूँ नहीं चाहता, तो ये बात अपने अंदर बार बार ही एक्सप्लोर करनी है। जितना प्रिसिशन आपको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने में आएगा उतना ही आप दूसरे को देख पाएंगे।
जैसे आप भूख के बारे में कह पाते हैं कि मुझे भूख लगती है तो सभी को लगती है, उतना ही आप जो है प्रिसाइसली दूसरे की इंटेंशन भी देख पाएंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी देख पाएंगे। तो ये बात जो है बार बार जो है लौट लौट के आपको इसको रेफर करना होगा, और इसीलिए हम लोग जो है आप सबको 8 दिन के वर्कशॉप में बुलाते हैं, ताकि हम लोग जो है बहुत थ्रेड बेयर तार तार करके इस इंटेंशन कॉम्पिटेंस को जो है अनफोल्ड करके देख सकें। तो इतनी बात जो है हमने ट्रस्ट के बारे में की थी। फिर हमने रिस्पेक्ट के बारे में बात की, तो रिस्पेक्ट के बारे में ये बात ध्यान में है कि रिस्पेक्ट का मतलब है राइट इवैल्यूएशन। राइट इवैल्यूएशन का मतलब है ठीक ठीक आकलन करना। तो मेरा भी राइट इवैल्यूएशन हो सके, ये मेरा रिस्पेक्ट है। दूसरे का भी राइट इवैल्यूएशन हो सके, ये दूसरे का रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट को समझने जब गए तो ये बात ध्यान में आई कि मेरा पर्पस, पहले तो ये बात भी ध्यान में आई थी कि जो ये तो बॉडी के बेसिस पे होगा तो सभी का रिस्पेक्ट हो नहीं पाएगा, और क्योंकि हम ये चाहते हैं सभी का रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट अगर यूनिवर्सल हो है ना, तो उसका जो क्राइटेरिया है वो भी यूनिवर्सल होना जरूरी है। तो ये बात ध्यान में आई थी कि सेल्फ के बेसिस पे जब रिस्पेक्ट करने जाते हैं तो ये 3 बातों को हम ठीक ठीक समझ सकते हैं, ये सभी के साथ ही लागू होती हैं, छोटे के साथ भी, बड़े के साथ भी, काले के साथ भी, गोरे के साथ भी, इंडियन के साथ भी, अमेरिकन के साथ भी, सबके साथ ये बात लागू होती है कि पर्पस सभी का एक है, निरंतर सुख, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, हर आदमी सुखी होना चाहता है। प्रोग्राम भी सभी का एक है, कोई आदमी कुछ भी करके सुखी हो जाएगा ऐसा नहीं है, सही को समझ के, सही को जी के ही सुखी होता है, हारमनी को समझ के, हारमनी को जी के ही सुखी होगा, 4 लेवल की हारमनी को समझ के, 4 लेवल की हारमनी को जी के ही सुखी होगा। तो ये प्रोग्राम भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, हर आदमी का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल का मतलब यह कि उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो पोटेंशियल है। कॉम्पिटेंस को देखने जाएंगे तो कॉम्पिटेंस में डिफरेंस है। कॉम्पिटेंस का मतलब है रियलाइज्ड पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मतलब है कंप्लीटनेस, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो पॉसिबिलिटी के लेवल पर देखने जाएंगे वो पॉसिबिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन कॉम्पिटेंस का जो पोटेंशियल का जो कन्वर्टेड या रियलाइजेशन है वो अभी कम है, वो कॉम्पिटेंस है। तो ये 3 बातों के आधार पे मुझे ये समझ में आता है कि दूसरा मेरे जैसा है, और वो जो कॉम्पिटेंस का डिफरेंस भी है, अगर पहले 3 की क्लैरिटी हो जाए, पर्पस की, प्रोग्राम की, पोटेंशियल की, तो उस कॉम्पिटेंस के डिफरेंस को भी हम पहचान लेते हैं और म्यूचुअल कॉम्पिटेंस के इवैल्यूएशन के साथ उसको कॉम्प्लीमेंटैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, टीचर अगर समझा हुआ है तो वो समझाना चाहता है, स्टूडेंट जो है समझना चाहता है, तो दोनों की कॉम्प्लीमेंटैरिटी है ना। तो इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी को पहचान के जो है अपने रिश्ते को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हर जगह पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी को समझने की बात है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो दूसरा मुझसे ज्यादा समझदार है या मैं ज्यादा समझदार हूँ। तो कौन ज्यादा समझदार है? तो अभी तो ज्यादा बार मैं ही ज्यादा समझदार होता हूँ। तो अगर इस केस में देखें कि अगर दूसरा ज्यादा समझदार है, इसका मतलब यह है कि दूसरा ज्यादा जिम्मेदार भी होगा जीने में। जिम्मेदार है तो हम क्या करेंगे उसके साथ? तो हम दूसरे से समझने को तैयार हो जाएंगे बिना अपनी ईगो को बीच में लाए। लेकिन इफ आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग देन हाउ विल आई नो आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर 2 लोग हैं, ए और बी, अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, तो क्या लगता है ज्यादा समझदार कौन है? तो ज्यादा समझदार वो है जो ज्यादा जिम्मेदार है। कैसे पता लगेगा ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो जो रिलेशनशिप में ज्यादा बार पहल करता है, जो ज्यादा बार इनिशिएटिव लेता है और रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करता है ना, तो वो ज्यादा जिम्मेदार है। तो अगर मैं ज्यादा समझदार हूँ तो फिर मैं आई लिव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अदर अनकंडीशनली अनपरटर्ब्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर। क्योंकि दूसरा तो समझा हुआ नहीं है तो वो गलती करने के लिए बाध्य है, वो गलतियां तो करेगा ही। तो मैं अपनी तरफ से यूनिलेटरली मैं उसके साथ जिम्मेदारी से जीने का काम करता हूँ, अनपरटर्ब्ड उसके बिहेवियर से। और जब तक वो मेरे व्यवहार से एश्योर्ड होता है, उसके साथ मैं फिर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करने का काम कर लेता हूँ। और ये काम जो है मैं उसको जता के नहीं करता कि देखो तुम मूर्ख हो, तुमको आज तक इतना ही समझ में नहीं आया है ना। तो हम उसके अपने धैर्य को बनाए रखते हुए हम उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जीते। जितनी जितनी उसके सेल्फ में जगह बनती है, जितनी जितनी उसकी हमारे को सुनने की जगह बनती है, उतना उतना हम उसके साथ शेयरिंग कर पाते हैं, है ना। तो ये बात जो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी की, ये बात जो है रिस्पेक्ट राइट इवैल्यूएशन के साथ हम इतना देख पाते हैं। कंटेंट को देखेंगे तो कंप्लीट कंटेंट इतना है कि दूसरा जो है वो मेरे जैसा है एंड वी आर कॉम्प्लीमेंटरी। तो ये कल तक की हमने बात की थी, अब कुछ आगे की फीलिंग के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ये बात भी को एक बार और रीइंफोर्स करने के लिए मैं ध्यान में ले आता हूँ कि इंटेंशन को देखें, पोटेंशियल को देखें और प्रोग्राम को देखें, दिस इज सेम फॉर ऑल, ये 100% है सभी का।
कॉम्पिटेंस को अगर देखने जाए तो कॉम्पिटेंस एक सेल्फ का, दूसरे सेल्फ का, तीसरे चौथे सेल्फ का, सबका अलग अलग है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब यह है कि कितने पोटेंशियल को किस सेल्फ ने रियलाइज कर लिया है, कितने पोटेंशियल को, कितने नेचुरल एक्सेप्टेंस को किसने कितना समझ लिया है। तो ठीक से देखने जाए अगर ये क्लैरिटी हो जाए कि इंटेंशन, पोटेंशियल और पर प्रोग्राम ये सभी का सेम है, तो फिर हम कॉम्पिटेंस कम वाले के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो फीलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रीनेस यहाँ से निकल कर आती है कि हमें दूसरे की इंटेंशन की क्लैरिटी हो जाए और दूसरे की जो कॉम्पिटेंस है हम उसको भी पहचान लें, उसके साथ हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। और एक बार जब हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं तो जो बाकी की 7 फीलिंग्स हैं वो नेचुरली फ्लो करने लगती हैं। तो अगर हमको एक बार किसी के साथ विश्वास का भाव हो गया तो जो बाकी की फीलिंग है